वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के बारे में, जहां पे हम बताएंगे कि आरसीबी टीम के ऐसे कौन से बड़े बड़े दो तीन प्लेयर रहेंगे जो देखा जाए गुजरात की टीम के सामने बहुत बड़ा स्कोर बनाते हुए नजर आ सकते हैं। ये मैच आप लोग को बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाला है और आरसीबी टीम आप लोग को मालूम है चिन्ना स्वामी स्टेडियम को अच्छी तरह जानती है। विराट कोहली हो गए, फाफ डु प्लेसी, विल जैक्स हो गए, महिपाल लोमरो हो गए, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, अच्छी खासी प्रैक्टिस इनकी चल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे दो तीन ऐसे प्लेयर रहेंगे जो कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कोर बनाते हुए नजर आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी टीम से एक ही प्लेयर ऐसा रहेगा जो कि सेंचुरी बनाता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है छोटा स्टेडियम में सामने कोई इतना ज्यादा क्वालिटी फास्ट बॉलिंग अटैक तो आप लोगों को देखने को मिलता नहीं है। वहां पर आप लोग को अजमतुल्ला उमरजाई देखने को मिलेंगे, आप लोगों को उमेश यादव, मोहित शर्मा, तो ये कुछ उनके देखा जाए फास्ट बॉलर हैं जो कि देखा चंद्र स्वामी स्टेडियम में अच्छी खासी पिटाई का सामना करने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये बॉलर और सामने रहेंगे अच्छे खासे बड़े बड़े पावर हिटर लाइक विल जैक्स, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, विराट कोहली, अच्छे खासे पावर हिटर भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए आरसीबी कैसे कौन से बड़े बड़े प्लेयर रहेंगे जो अच्छे खासे स्कोर बनाते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में विराट कोहली से ज्यादा तो मेरे हिसाब से आईपीएल में किसी और के रन होंगे भी नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं कितने रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 60 से 70 रन एक बार फिर से आप लोगों को विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग करने के लिए आएंगे, अच्छी खासी स्टार्ट दे रहे हैं। अभी देखा जाए अपने स्ट्राइक रेट को और ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको 60 से 70 रन ईजिली देखने को मिल सकते हैं विराट कोहली के बल्ले से। वहीं पर अगर हम बात करें फाफ डु प्लेसी से, तो फाफ डु प्लेसी अच्छी खासी प्रैक्टिस में नजर आ रहे हैं, लेकिन उन फाफ डु प्लेसी के साथ सिर्फ एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि देखा जो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, लाइक दूसरे या तीसरे ओवर में ही आउट हो जाते हैं। लेकिन उनका एक सबसे बड़ा मेनली जो काम रहता है कि अपने देखा जाए स्टार्टिंग में अपने जो पावर प्ले के बॉलिंग रहती है उन्हें देखा जाए अच्छी तरीके से यूज किया जाए, अच्छी खासी रन बनाया जाए, चाहे फिर वो 10 बॉलों में 20 रन बनाए या 24 रन बनाए, वो ज्यादा से ज्यादा पावर प्ले का यूज करना चाहते हैं, जो कि किसी भी T20 ओपनर के लिए बिल्कुल सही तरीका रहता है। देखिए जिस दिन वो चल जाएंगे तो पावर प्ले के अगर बाद भी वो खेल गए तो अच्छा खासा टोटल बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो पावर प्ले में ही आउट हो जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को 20 से 30 रन आप लोगों को फाफ डु प्लेसी के बल्ले से देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पे अगर हम बात करें, तो नंबर 3 पे विल जैक्स देखने को मिलेंगे। एक तरह से देखा जाए आरसीबी टीम के सबसे बड़े प्लेयर आप लोगों को फिलहाल देखने को मिले, और मेरे हिसाब से इनसे आप 70 से 80 रनों की पारी उम्मीद कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं। एक बार अगर ये 70 या 80 रन बना गए तो जाहिर सी बात है सेंचुरी तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि जब मेरे हिसाब से उन्होंने 30 से 31 बॉलों में अपने 50 रन बनाए तो लास्ट के 10 बॉलों में उन्होंने 50 रन बना दिए थे, यानी कि अपनी 41 बॉलों में देखा जाए सेंचुरी कंप्लीट कर दी थी। और विल जैक्स का अगर बल्ला चल गया वो भी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है, 280-290 तो ईजिली टच हो जाएगा, क्योंकि फिर आरसी के पास ग्लेन मैक्सवेल है, रजत पाटीदार है, और मेरे हिसाब से इनसे अच्छी खासी फिनिशिंग टचेस की उम्मीद रहेगी। और मुझे जहां तक लग रहा है कि ये मैच आप लोग को 260 या 270 का हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी अपडेट थी आरसीबी के बैट्समैन को लेकर जो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।